देखिए अभी रात को 3-12 बजे हुए हैं। अभी हम घर से निकल जाएंगे, हमारे साथ बीच में हमारे बाकी साथ देंगे। अभी हम चल रहे हैं। अभी हम काणीपाकम में पहुंच चुके हैं। अभी इधर से हम तिरुमाला के लिए जाएंगे। अभी हम पैदल जा रहे हैं। सब लोग डिसाइड किए थे पहले गणपति का दर्शन करेंगे, उसके बाद बालाजी दर्शन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हमारे एक काका को प्रॉब्लम हो गई पैर में, उनको चलने में दिक्कत हुई, तो इसी वजह से लेट हो गया। हम दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि अभी स्पेशल दर्शन चल रहा है, अभी 4 घंटा लेट हो जाएगा। ये साइड में बाथरूम है, नहाने के लिए सब कुछ फैसिलिटी है इधर अवेलेबल। जो लोग नहा के नहीं आए हैं वो इधर नहा सकते हैं, लेकिन हम घर से वो काम ख़त्म करके आए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम इधर से डायरेक्ट निकल जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे तो हमें लेट हो जाएगा उधर, तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। हमारे बाकी के साथी भी इधर आ चुके हैं। 50 किलोमीटर चलने के बाद हमारा प्लानिंग था रात को एक मंदिर में रुकने के लिए, लेकिन उधर बहुत सारे लोग हो चुके थे इसलिए हमको एंट्री नहीं मिली। इसलिए हम मजबूरन रोड साइड में एक कल्याण मंडप के आगे जाके सो गए। जैसे तैसे करके रात काट लिए। रात को 3 बजे हम उधर से स्टार्ट किए जर्नी। अभी आके आधे रोड में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इधर थोड़ा खाना खा के फिर हमारा जर्नी हम शुरू करेंगे। ये एक अलग टाइप का वीडियो है, एक खास कहानी, सच्ची कहानी हम बताएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। आधे रोड पर हम रेस्ट कर रहे हैं। इधर बीच बीच में लोग खाना देते हैं, जूस देते हैं, पानी भी देते हैं। एक मिनट मैम, ये मैम भी उनके बेटी भी आए थे देने के लिए, खाना लेके आए हैं। देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, वो लोग पुण्य कमाते हैं सबको खिलाकर। ये मेन रोड है, मेन रोड से हम इधर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और इधर से हम जाएंगे। कहते हैं कि जब कर्ण का मृत्यु हुआ वो स्वर्ग में जाने लगे, तब वो पीने के लिए खाने के लिए कुछ जो पकड़ते थे वो सोना में बदल जाता था। ये देख के वो सोच में पड़ गए ऐसा क्यों हो रहा है। ये देख के वो यमराज से पूछने लगे। तब यमराज बोले, तुम जिंदगी में सब कुछ दान कर चुके हो, जमीन जायदाद कपड़ा सोना चांदी सब कुछ दिए हो, लेकिन कभी भी जिंदगी में तुम अन्न नहीं दिए, जल दान नहीं किए। इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हें 15 दिन वापस भेजता हूँ, तुम जाके वो दान करके आ जाओ। और वो करना ऐसे ही किए थे। यही वो रीजन जिसके लिए लोग जिंदगी में कुछ दे या ना दे, लेकिन एक बार जरूर जल दान करते हैं और अन्नदान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। हम स्टार्टिंग किए थे इधर आने के लिए बाय वॉक, आज फिर रात को 3 बजे स्टार्ट किए हैं। क्या स्पेशल है भगवान तिरुपति बालाजी का, वो हम पूछेंगे आका से। आका चप्पी एम स्पेशल है, एम स्पेशल है इप्पुडु? हाय अंडी, मैं चित्तूर నుంచి వస్తాండము, పెట్టాసి నెల గరుడ సేవకు పోతాండము నడుచుకొని, అందరూ హాయ్ చెప్పండి. అక్క ఏం స్పెషల్, ఏం విశేష? పెట్టాసి నెల నా 3వ వారం తర్వాత వచ్చేది ఏడుకొండల స్వామికి విశేషము. आप लोग के समझ में नहीं आएगा तेलुगु में। अपने बाल मुंडन कराएंगे, मन्नत मांगे है बालाजी से, मुंडन करके आएंगे। और आपको तेलुगु समझ में नहीं आएगी, मैं ट्रांसलेट करके आपको बता लूंगी। प्लीज वीडियो में बने रहिए। गोविंदा 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 गोविंदा। मेरी मोबाइल फुल स्विच ऑफ हो गई थी, थैंक्स आंटी, थोड़ा मेरे मोबाइल को चार्ज में बैठा दिए थे। अभी देखिए हम हेरिटेज में पहुंच चुके हैं। अभी नहाने के लिए फैसिलिटी है इधर, क्योंकि हर जगह पे नहीं नहा सकते। इधर बाथरूम वगैरह है, इधर स्नान करके हम चंद्रगिरी के लिए निकल जाएंगे। अभी हमारा स्नान वगैरह हो गया है, क्लीन जगह है और धूप ही नहीं है। अभी देखिए मेन रोड से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, बाय जाएंगे तो चंद्रगिरी टेप में जाकर हम पहुँच जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये नाग माता का मूल स्थान है, इधर दर्शन करके जाते हैं। ये इधर मतलब मन्नत मांगने से अगर किसी को बीमारी होता है तो ठीक हो जाते हैं।
बाद में आके इधर पूजा वगैरह करते हैं, इसलिए इधर हम दर्शन करके निकल रहे हैं। देखिए अगर आप लोग चंद्रगिरी फोर्ट आते हैं घूमने के लिए तो उधर से ये एरिया एक ही रोड है, आप आराम से इधर आ सकते हैं। देखिए हम दशहरा में घूमने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बालाजी को, तो माता का दर्शन तो करेंगे ही, तो इसलिए हम दुर्गा मंदिर में थोड़ा रुक के इधर माता का दर्शन करके हम निकल रहे हैं उनका आशीर्वाद लेके। शिवरी मठ चंद्रगिरी देखिए हम अभी चंद्रगिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इधर थोड़ा स्पीड में आ गए थे क्योंकि इधर 6 बजे, अगर उससे पहले हम नहीं पहुंचेंगे तो हमें वापस नीचे भेज दिया जाएगा, हमें ऊपर अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड में फुल जंगल है, लाइफ रिस्की है। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम आराम से आ चुके हैं, अभी आराम से इधर का भगवान का नाम लेके हम स्टेप में चलेंगे। देखिए अभी रात हो चुकी है, सब लोग डर रहे हैं, अभी चंद्रगिरी स्टेप पर जा रहे हैं। भगवान को सबको भरोसा है, गोविंदा गोविंदा ऐसे 2-3 बार टाइगर अटैक हो गया था, इसलिए सब लोग थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा है, सब लोग आ रहे आराम से। देखिए इधर 6 होने से पहले इधर बंद हो जाता है मेन गेट, स्टेप के अंदर अलाउ नहीं है, इधर फुल 2 साइड में जंगल है, इसलिए अंदर छोड़ते नहीं है। 6 पहले जो आते हैं वो लोग जाते हैं, सारे लोग वो चले गए, हम कुछ 20-30 लोग है, 15-20 लोग है, प्लीज वीडियो में बने। देखिए अगर आप लोग प्लानिंग करें स्टेप में आने के लिए तो सब लोग जो लाइन में जा रहे हैं उनके साथ चलिए, जो बोल बैठे तब बैठिए, रिस्क ना उठे। अब हम तिरुमला में पहुंच चुके हैं, देखिए कैसे लाखों लाख लोग है, 2-3 दिन पहले लोग जाके उधर बैठते हैं, धूप में बारिश में ऐसे ही बैठते हैं क्योंकि वो गरुड़ सेवा देखना चाहते हैं, गरुड़ वाहन को दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार अगर आप गरुड़ वाहन का आपने देख लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सारे पाप धो जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति मिलेगी और आपको पुण्य मिलेगी। इसलिए लोग पता नहीं कौन सा स्टेट में आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं इधर देखने के लिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमको भी थोड़ा जगह मिल गया इधर बैठने के लिए, अभी सुबह शाम ऐसे ही बैठे हैं धूप में बारिश में, अब शाम में 6:30 बजे गरुड़ सेवा दर्शन हो गया, हमें स्टार्ट होगी, देखते हैं कब दर्शन मिलते हैं भगवान का। भगवान बालाजी को पीला कलर यानी कि येलो कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब लोग पीला वस्त्र धारण करके इधर आए हुए हैं ताकि बालाजी का कृपा मिल जाए। अभी ब्रह्मोत्सव चल रहा है दशहरा में, 9 डेज फुल सुबह एक ही रूप, शाम को एक रूप भगवान का दिखाई जा सकता है। सबसे खास रूप जो होता है वो है गरुड़ रूप, वो गरुड़ रूप को दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ लोग इधर आए हुए हैं। तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट की तरफ से, बुफांड की तरफ से सारे भरे खाना पानी जूस बिस्किट सब कुछ लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है, खाना पानी आपकी सीट तक वो पहुँचा देते हैं, आपको तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जहाँ खुशी का मौका होता है वहाँ नाच गाना तो होता ही है, इसलिए श्रीबलिपुत्र के राजा हाथी घोड़ा के साथ हर राज्य में जो फेमस डांस है उनको भेजा है इधर ब्रह्मोत्सव में। वांडल के पिता है, वांडल वही है जो भगवान बालाजी से प्रेम करती थी और मीरा जी से गायब हो गई थी, उसके बारे में वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। देखिए कैसे उड़ीसा मणिपुर तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र तमिलनाडु राजस्थान हरियाणा आसाम गुजरात मिजोरम वेस्ट बंगाल नागालैंड मेघालय झारखंड हर राज्य से, गोवा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार हर राज्य से लोग आए हैं इधर डांस करने के लिए। बालाजी जब वो गरुड़ पर बैठ के आते हैं उनके छाती पर एक ग्रीन कलर का पर्ची होता है, मतलब स्टोन होता है, वो देखने से तकदीर खुल जाती है, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, वही देखने के लिए करोड़ लोग जमा हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद है हमारा ही, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुई, हम देखे हैं
ये महीने का जो शनिवार होता है वो अति खास होता है। तीन शनिवार करने के बाद लोग पैदल जाते हैं बालाजी को दर्शन करने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं, भगवान विष्णु का खास क्यों रहे गरुड़, गरुड़ कैसे उनका खास भानु बने, आज का मेन कहानी हम शुरू करते हैं। पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो कन्या थे, एक थी भिन्ता और दूसरी थी कद्दू। कद्दू ने 1000 नागपुत्र एवं भिन्ता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र की मांग किए थे वरदान के रूप में कश्यप ऋषि से। कद्दू ने 1000 अंडे दिए थे और भिन्ता ने केवल 2 अंडे दिए थे। 1000 अंडे से कद्दू का 1000 नागपुत्र जन्म हो गए, लेकिन पैदा हो गए, लेकिन भिन्ता की कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो हत्यावली होकर एक अंडा को फोड़ दिया। इसलिए अंडा से जो ऊपर हिस्सा था वो ठीक से बन गया था, लेकिन निचले हिस्सा ठीक से बना नहीं था। उनमें से जो बच्चा निकला वो दुखी होकर गुस्सा करके अपनी माँ को श्राप दिया कि तुम अपनी सौतन का 500 साल दासी रहोगे, अगर तुम दूसरे अंडे को नहीं फोड़ोगे तो उसमें एक तेजस्वी बच्चा निकलेगा और वही बच्चा तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। और वही दूसरा अंडा जब खुद विकसित होके उनमें एक बच्चा निकला वो है गरुड़। गरुड़ पैदा होने के बाद जैसे देखा अपनी माँ को दासी के रूप में, वो बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर जाके भगवान विष्णु को पूजा करने लगा, तपस्या करने लगा। बहुत दिन तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु खुश हुए, प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिए। गरुड़ का पहला वर यही था कि हम कद्दू का सारनाग पुत्र को मानना चाहते हैं। दूसरा वर यही था हम आपकी ध्वज में हमेशा रहना चाहते हैं। और तीसरा वर यही था कि हम बिना अमृत पिए अमर रहना चाहते हैं। तब भगवान उनको तथास्तु बोले थे। तब गरुड़ उनको बोले थे भगवान विष्णु को, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको क्या मांगना है मांगी। तब भगवान विष्णु बोले थे हम चाहते हैं कि आप हमारा वाहन बने। तब से गरुड़ों का खास वाहन बने हैं। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी यह है वो खास इसलिए है, त्रेता युग में भगवान राम के लिए माता सीता को बचाने के लिए वो अपना प्राण त्याग दिए थे, उनका जान दे दी थी, इसलिए वो बहुत ही खास है। आप एक ही नहीं मानेंगे, जब गरुड़ वाहन गरुड़ के ऊपर भगवान बैठ के आते हैं तब कंपल्सरी बारिश होता है और ओरिजिनल गरुड़ आपको आसमान में दिखाई देता है। एक लोग नहीं, लाखों लाखों लोग देखते हैं। एक साल की बात नहीं, हर साल में ऐसे होता है। भगवान विष्णु के कहने के अनुसार गरुड़ ने महापुराण लिखे थे, गरुड़ महापुराण, जिसमें जिसको मनने वाले व्यक्ति के सामने पढ़ा जाता है। कर्म के अनुसार मनने के बाद क्या क्या उसको भोगना पड़ेगा वो सब कुछ उधर लिखा होता है। बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो गरुड़ जब आ रहे थे वो वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं कैसे वीडियो वो डिलीट हो गई, नहीं तो मैं आप लोग को दिखा देती, गरुड़ वाहन का दर्शन करा देती। क्या आप लोग को पता है तिरुपति बालाजी को अपना बाल क्यों दान करते हैं? चलिए उसकी कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार भगवान बालाजी ने एक चिट्ठी की मापी से ऊपर आ रहे थे, तब एक गाय रक्षक ने घुसा करके गाय के ऊपर एक अपना कुल्हाड़ी फेंक रहा था। वो भगवान बालाजी चिट्ठी की मापी के अंदर कैसे आए, ये पहाड़ पर क्यों आए, कब आए, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी का कहानी हम बता देते हैं कि कुल्हाड़ी जाके भगवान बालाजी के सर पर लग गया और इसी वजह से उनके बाल आधा कट हो गया। इसलिए वो दुखी होकर जब घर गए, उनकी माँ देख के बच्चा दुखी है, उनको खुश करने के लिए खुद का बाल काट दिए। हर नारी का जो सुंदरता होता है वो अपना बाल होता है। भगवान बालाजी ने ये देख के बहुत खुश हुए और सबको ये आशीर्वाद किया कि जो बाल मेरे लिए इधर दान करेगा उसको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगा। अगर किसी का मन्नत पूरी हो जाती है और वो प्रार्थना रखती है कि हमारा मन्नत पूरी होने के बाद हम बाल दान करेंगे, वो बाल दान करते हैं, इधर मुंडन करते हैं बाल। नहीं तो ऐसे ही मामूली लोग जाके 3 कटिंग करते हैं, मतलब 3 बार वो बाल काटते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हम भी ऐसे ही कर ले। अगर आप लोग चाहते हैं पूरा बाल मुंडन ना करें तो आप 3 कटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हम मिनिमम 120 किलोमीटर पैदल आए हुए हैं, हमें बहुत खुशी मिली, हम बहुत खुश हैं।
अगर आप लोग जिंदगी में कहीं पर भी कभी भी मंदिर पर गए हैं दर्शन करने के लिए पैदल, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ 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 थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और गरुड़ वाहन दर्शन करने के लिए कभी भी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आइए। रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।